एक स्लोप डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन देख रहे हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन में भी वो वाला क्वेश्चन जिसमें कपल मूवमेंट लगा हुआ है। आप लोगों के बोलने पर ही मैंने कपल वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कपल लगे भले ही है इसका, लेकिन कोई इशू इतना नहीं है। जैसे हम लोग सिंपल पॉइंट लोड लगे होते हैं या UDL लगे होते हैं, बिल्कुल सेम हम उनको भी सॉल्व करते हैं। जैसे लोड्स को सॉल्व करते हैं वैसे ही कपल मूवमेंट को भी सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल से फॉर्मूले जो आपको दिए हैं पहले फिक्स एंड मूवमेंट्स के, पहले तो आप इसको देख लिए, एनालाइज द बीम सोन इन फिगर ड्रा द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ शेयर फोर्स। आप देखिए दोनों एंड पर फिक्स है, कपल लगा है 180 का, असेंट्रिक कपल लगा हुआ है, असेंट्रिक कपल 4 मीटर, टोटल स्पान 6 मीटर का है, 30 kN/m का ये 4 मीटर का स्पान है, असेंट्रिक कपल लगा हुआ है। इसमें हमको क्या करना है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकालना है। फिक्स्ड एंड मूवमेंट जब असेंट्रिक कपल लगा होता है तो उसके फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स के फॉर्मूले आपको पता है, सिंपल से फिक्स्ड एंड मूवमेंट के फॉर्मूले होते हैं, आपने यहाँ देखा भी होगा। जैसे जब एम ए वी की तरफ जाते हो तो क्या आता है, एम ए वी की तरफ जाओगे तो एम बी, जब ए से बी की तरफ जाओगे तो एम बी 3a - l/l² हो गया ए बी की तरफ, और जब बी से ए की तरफ जाओगे तो यहाँ चेंज हो जाता है, यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा और वैल्यू वही आएगी। देखिए तो ये फिक्स एंड मूवमेंट्स निकाल लिए दोनों के, ए यू डी एल तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 से निकल जाएगा, तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 से निकाल दिया, और ये आपके सिंपल फार्मूले आपके पास थे तो उससे निकाल दिया आपने। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है। अब हमने क्या किया, स्पान ले लिया, ए भी लिया और उसका स्लोप फाइंड आउट किया। जब स्लोप कर रहे हैं तो देखो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ हम जाएंगे। अब ए फिक्स है और ये सी भी फिक्स है, इट मीन्स सिंपल सा फंडा ये है, अगर ये फिक्स है और सी फिक्स है तो फिक्स एंड पे स्लोप क्या होता है, 0। तो यहाँ कोई इशू नहीं है, ये दोनों साइड वैल्यू क्या हो जानी है, 0। अब सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया, ए से बी की तरफ जा रहे हो तो क्या आया, एम ए बी प्लस 2EI/LIB, ठीक है, ए आ गया 2EI/LIB, जिससे ये वैल्यूज निकल गई हैं, आपने इसको सॉल्व किया तो आ गया। अब बी से ए की तरफ जा रहे हो तो अभी ए से बी की तरफ जा रहे थे, तो जब ए से बी की तरफ जाते हो तो ए दो बार मिलेगा, मतलब स्लोप जो है आई ए वो दो बार मिलेगा, लेकिन आई ए स्लोप क्या हो गया है, 0। तो वो चीज़ तो 0 में चली गई, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिया। लेकिन अब जब बी से ए की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2IB। देखो एम बी ए प्लस 2EI/6 और 2IB = 0, ठीक 2IB, ठीक है, और ये वैल्यू सॉल्व किया आपने तो ये निकल गया, बी से ए का फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स आया 0। क्यों, ये आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद क्या निकल के आया, 0। तो ये वैल्यूज ने निकाल दी, एम ए बी निकाल दिया, एम बी ए निकाल दिया, एम बी सी निकाल दिया और एम सी डी निकाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। तो बेटा यहाँ देखो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या लगेगा, केवल जॉइंट बी पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगेगा, क्योंकि इसमें केवल दो ही स्पान है 4, और इसमें जॉइंट एक ही है। तो एम बी ए और प्लस एम बी सी इक्वल 0। देखो एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल 0, इसमें हमने एम बी ए और बी सी की वैल्यू रख दी है, बी ए की वैल्यू 2i3EI/IB - 40+EI, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे सी डी EI/IB की वैल्यू। जब EI/IB की वैल्यू निकली तो देखिए क्या आई, ए आई निकाल दी 5/3EI/IB = 40, EI/IB और आपने 24 निकाल दिया उस वैल्यूज में जो आपने निकाले थे स्पान से जो फार्मूले, उसमें फाइनल वैल्यू रख के EI/IB के ये फाइनल मोमेंट निकाल दिए, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, ये इसका शियर फोर्स डायग्राम बन गया, वर्टिकल रिएक्शंस निकल गई हैं, आप देख लीजिए ये शियर फोर्स है, सिंपल सा है शियर फोर्स। तो अगर यहाँ पे UDL लोड लगा है तो दो पार्ट में बढ़ जाता है शियर फोर्स, आधा आधा ट्राइंगल में, आधा ऊपर चला जाता है आधा नीचे चला जाता है, बस वैल्यूज़ आप देख लेना। और यहाँ कपल लगा है तो कपल में क्या होगा, सीधी एक लाइन आ जाएगी, जितने कपल आया वही कपल सीधा आ जाता है नीचे, ऐसी एक सिंपल सी लाइन खींच दो नीचे तक, ये तो आपने देखा ही है, यहाँ से बनेगा ये आधा यहाँ जाएगा आधा यहाँ, और ये जो है एंड मोमेंट्स के कारण बने हैं, वो आप एंड मोमेंट्स सब निकालोगे तब पता चलेगा। चलिए ठीक है, कर लीजिए इसको।